नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, आज है 23 अगस्त और एग्जाम सेंटर से बच्चे बाहर आ चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है, लेकिन ये बंदा जो 21 तारीख का है, इनका कुछ और कहना है। इस कारण से मैं इनको लेकर के आया हूँ। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैं जो है बहुत कम ही बाद में लेकर के आता हूँ। जिस दिन होता है उसी दिन का लेकर के आता हूँ, लेकिन भाई का कुछ स्पेशल कहना है, इस कारण से इनको लेकर के आया हूँ। दिल्ली का एक्सपीरियंस वीडियो है, 4600 पार्ट है। इससे पहले 45 पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके लिए हमने नीचे जो है RPF ट्रेड टेस्ट नाम से एक चैनल क्रिएट कर दिया है, उस पर आप लोगों को जो है जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा हमारे भाइयों के लिए उसी चैनल पर होगा। इस चैनल पर आप लोगों के लिए आगे से कोई भी अपडेट उपलब्ध नहीं होगा। ओके, तो उस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना है, और इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद सिंह रावत, मैं MCG अकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर, हाँ नमस्कार आपका जो है ट्रेड टेस्ट हो चुका, सर। जी सर, हो गया सर। तो आप अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने भाइयों के साथ। जी सर, मेरा नाम गणेश कुमार विके है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा जिला है नांदगांव से हूँ। तो आपका ट्रेड टेस्ट हो गया ना सर। जी सर, 21-8 को था सर। जो आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे जी सर, जी सर। तो बिल्कुल बताइएगा सर, मतलब किस प्रकार से क्या क्या था सर वहाँ पर, और बताइएगा। और अपने भाइयों को सर इस प्रकार से एक्सप्लेन करना कि कोई भी इनको परेशानी ना हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन इनके मन में रह ना जाए। तो आप एक एक चीज क्लियर कीजिए, मतलब उस दिन आप गए किस प्रकार से, क्या क्या हुआ बताइएगा। पहले तो हम निकल यहाँ से, कोई ट्रेन नहीं था सर नांदगांव से, तो हम लोग मतलब 17 मतलब 18 को निकल गए थे सर। हाँ सर, तो वहाँ हम लोग पहुंचे, 19 को पहुंच गए थे। हाँ, हाँ 19 में पहुंचे, फिर वहाँ सराय रोहिल्या था सर, स्टेशन नजदीक वाला। हाँ, हाँ तो वहीं रुके थे सर। तो वहाँ से ना सर करीब करीब 500 मीटर है सर, वहाँ से ज्यादा नहीं है। हाँ तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वहां से दिखता उसे या ऑटो मार लीजिए। वहां हाँ से ना सिर्फ रेलवे स्टेशन के जो रहता है ना सर करीब, मतलब पास पास से, हाँ वहां से चले जाइए, वहां से नजदीक है वो। ओके, तो हाँ सर, और इससे रिक्शा ऑटो वाले सर घुमा कर ले जाएंगे और बहुत पैसा ले लेंगे सर। घुमा के ले जाएंगे और बहुत पैसा ले लेंगे। हाँ हाँ जी सर, और वहां से नजदीकी है सर, 500 मीटर है सर, ज्यादा नहीं है। सर, जी, बोलिएगा और बोलते रहिएगा सर, मतलब हाँ उसके हाँ सर। बाद। तो हम लोग तो एक दिन पहले देख के आ गए थे सर वहाँ, और हाँ तो फिर सुबह 4 बजे गए जिस दिन, 21 को। हाँ 21 को AM सर है ना, 4 बजे वहाँ मतलब लगाए, लाइन लगा लिए हम लोग। तो लाइन से लगा लिए मतलब, फिर 20-20 बच्चे को लिए सर। फिर वहां तो इतना बार बार बैठाते थे सर, बार बार इतना बार बैठा रहे, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। मैम, मेरा ये वो टेस्ट ऐसा था, सुपर का था सर मेरा। हाँ हाँ सर, तो फिर बुलाया, फिर क्या बोलते सर उसको, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किए। और फिर उसके बाद कुछ इतना क्या क्या अभी वो सर जो हुआ था, हम लोग का इलाहाबाद सिकंदराबाद में हुआ था ना सर। हाँ हाँ, फिजिकल हुआ, उसका डेट पूछा सर और उसका बैच नंबर पूछा था सर। ये सब कुछ आपको कहाँ से पता लगा सर? पहले से आपने हमारी जो वीडियो देख रखी थी? हाँ देखे थे सर, तो थोड़ा याद था ना, तो आपके मतलब आपके वीडियो से बहुत हेल्पफुल मिला सर हमको। थैंक यू सर, जो है आपने बोला हाँ तो तो काफी। याद करके चले गए थे सर, उसी को बहुत बच्चे को तो पता नहीं था, तो कजिन के पास फोन लगा कर पूछ रहे थे सर उसको, और हाँ हम तो आपके वीडियो से देखे थे तो कुछ कुछ पता था हाँ सर। तो फिर उसके बाद वही बेच बिजनेस का बेच करके बुलाया, हाँ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और बायोमेट्रिक हुआ सर। फिर हाँ उसके बाद ना वो रूम में ले गए, हाल था वहां सब कुछ रखा था, फिनाइल रखा था, एसिड रखा था और हार्पिक रखा था, और वो क्या नेपथिन गोली जो नहीं आता है सर, जिसे हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, डामर गोली बोलते हैं क्या, नेफ्थीन की गोली, मतलब कैसा? वो सर से छोटा छोटा गोल गोल नहीं रहता है सर, उसे बाथरूम में जो यूज करते हैं उसे नेपथिन, उसको नेपथिन बोलते हैं सर, जो क्या बोल कपूर की गोली नहीं बोलते हैं उसको। हाँ तो उसको उस लैंग्वेज में ना नेपथिन, नेपथिन बाल बोलते हैं सर उसको। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ तो वही रखे थे हम लोग से सर ना कुछ नहीं कराए सर, हम लोग 20 को बेच गए थे ना सर, केवल मतलब ना वही फोटो
45 सेकंड लिए होंगे सर, थोड़ा से झाड़ू लगा दो ऐसे करके, थोड़ा सा एकदम सिस्टमिक तरीके से भी लगाए सर। अच्छा कहीं और देखे थे कि इस टाइप से झाड़ू लगाते हैं करके, तो देखे थे और उसी टाइप से लगाए, केवल मतलब 45 सेकंड लिए और झाड़ू लगा कर दिखाए और नाम वाम पूछे सर। हाँ हाँ क्या, और कुछ नहीं पूछे सर, चलो मतलब चले जाओ ऐसे करके बोले सर। मीन्स कुछ भी नहीं करवाया? नहीं सर कुछ भी नहीं कराया सर, वहाँ रखे जरूर थे पर हम लोग को केवल 45 सेकंड लिए और झाड़ू लगा कर बताओ ऐसे करके बोले, और हाँ क्या देखे नहीं क्या नहीं देखे पता नहीं, फिर चलो जाए ऐसे करके बोल देखे। मीन्स आपको कितने बजे अंदर लिया, बिल्कुल शुरुआत से बता सकते हो थोड़ा सा? जी सर वही हम लोग को ना स्टार्टिंग गेट गेट के अंदर से सर, हाँ गेट के अंदर से 5:30 बजे स्टार्ट हो गया सर। उसके बाद? उसके बाद वही सर स्टार्टिंग में फिर से वो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किए सर, फिर अंदर जाने दिए। वहां तो 10-15 जगह बैठाए सर, इतना बैठाए परेशान हो गए थे हम। फिर वही अंदर में ले जाए, फिर बायोमेट्रिक लाए सर। बायोमेट्रिक में क्या करवाया सर? मैं वही बोल रहा था आपसे, कुछ रह ना जाए। हाँ सर बायोमेट्रिक में सर वही लेफ्ट और राइट का वो मैचिंग किया सर है ना, और बेस कार्ड देखे बैच कार्ड देखे? जी सर। उसके हाँ बाद वही पूरा सीनियर ऑफिसर है सर 3 स्टार वाले, और कोई नहीं है, 4-5 के मतलब 3 स्टार वाले। और वही और कुछ नहीं सर, जो रखे थे उसको भी पूछे भी नहीं सर कि ये क्या चीज है, इसको क्या चीज में यूज करते हैं ऐसे करके। मीन्स फिर करवाया क्या क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे। सर कुछ नहीं करवाया सर, सिर्फ ना 45 सेकंड हम लोग को झाड़ू लगवाने बोले सर, और कुछ नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया? जी सर कुछ भी नहीं करवाया वहाँ, हालांकि मारा था सर फिनाइल मारा था सभी कुछ मारा था वहाँ। और ये जैसे कि उन्होंने जो दिया था, जी सर तो उसमें आप लोगों से मतलब सिलेक्शन किस बेस पर करवा रहे थे बच्चों सिलेक्ट का? पता नहीं सर, हम लोग को 20 बेस्ट 20 थे बच्चे थे सर उसमें, करके ना 60 बच्चों का पता है सर, मतलब 3-3 बच्चे को हुआ 60 बच्चों में से। हाँ जी सर तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर हम लोग को छोड़ दें यार, जिसका सिलेक्शन हुआ उसको वहीं बैठा के रखे थे सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोगों, आपका नहीं हुआ? जी सर नहीं हुआ सर, बहुत खला सर, रिटर्न में बहुत अच्छा तैयारी तैयारी किए थे सर, कितना नंबर आया था आपका रिटर्न में? अच्छा, 40 नंबर आए थे सर। 40 नंबर आए थे। जी सर ये तो तो कोई वैल्यू नहीं है सर, नंबर वंबर कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ सर ऐसा है। पता नहीं सर किस बेस पर कैसा टाइम क्यों मतलब बच्चों को सिलेक्शन कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है सर पूरा धांधली जा रहा है। धांधली जा रहा है, जी वही सर तो धांधली लग रहा है मैं सर पूरा। बच्चों से पूछता रहता हूँ। अब पिछली लास्ट इस वीडियो में मुझे देखने को आ रहा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे तो धांधली के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ आपने देखा क्या तो आप बोलिएगा, नहीं तो सर ऐसा शायद शायद करके अपन किसी पे जो है नहीं कह सकते, समझ रहे बात को? हाँ सर जी सर आपने कुछ सुन देखा हो देखो तो मतलब बोलिए। अगर 60 में कम से कम 10-15 बच्चे 20 बच्चे अगर सिलेक्शन होते तो हमारे गलती है ऐसे करते वो करते सर, गलती फील करते हैं हम, तो 60 बच्चे में सिर्फ 3 बच्चे तो कैसे, अच्छा बहुत बुरा लगा सर हम लोग को। हाँ ये भी आपका कहना सही है। हाँ ना सर रिटर्न में बहुत अच्छे गए, मेहनत किए थे और तो तैयारी भी करके अच्छे गए थे टेट टेस्ट के लिए, सिर्फ 45 सेकंड का ही खेल था उसमें पूरा वो हो गया। 45 सेकंड वो हाल ही हो जी गया सर है। जी सर किसी को तो सर इस कुछ जनरल नॉलेज भी पूछ देते हैं सर, पिछले बैग बेस्ट वाला बैग था ना बेच वाला सर, हाँ हाँ उसमें एक जनरल नॉलेज पूछ दिया उस बच्चे को उसका हो गया, और क्या पूछ ली? वही सर कौन से पूछे थे भाई, खेल वेल के बारे में कुछ पूछे थे सर उसको तो, ऐसा नहीं तो एक अकबर वाला तो नहीं था वो? हाँ, और हाँ एक ना सर क्या पूछे थे सर, हाँ शेक्सपियर के बारे में पूछे थे सर, हिंदी के जो कुछ है ना सर, हाँ क्योंकि हाँ अकबर, वो पता नहीं सर, हाँ वो हिंदी वाले कुछ बच्चे हैं जो बता रहे शेक्सपियर के मतलब बारे में उसको पूछे थे तो उसका हो गया सर। हाँ वही तो। हाँ सर कोई नहीं, चलो जो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ये बताइए, आपने भाइयों को कुछ कहना चाहोगे क्या?
जी सर, वही सर, अच्छे से तैयारी करके जाइए। हम लोग तो सर देना चाहते से पूरा, मतलब फुल कंफिडेंस, मतलब अपने तरफ से पूरा वो देना चाहते सर, पर उन लोग मौका ही नहीं दिए सर। ऐसा? जी सर, झाड़ू लगाए और हो गया ऐसे करके बोल रहे हैं। मीन्स यदि जो है कुछ पूछते तो कुछ तैयारी रहता जी कुछ सर, तैयारी के बहुत, हमारे तरफ से बहुत अच्छे करके गए थे सर हम तैयारी। ऐसा। हाँ जी सर, कुछ पूछा ही नहीं सर, ये बात का दुख है सर बहुत। मेन प्रॉब्लम यही है, कुछ पूछा जी ही सर, मेन नहीं। प्रॉब्लम यही है। पूरा अच्छे से आपके वीडियो से भी बहुत अच्छे अच्छे जानकारी प्राप्त किए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा जी सर, और जो वो क्या बोलते हैं सर उसको, जो गोली नहीं रहता है सर बाथरूम में रखते हैं, हाँ। क्या गोली स्टार्टिंग में, हाँ नेपथिन बॉल बोलते हैं सर उसको अपने लैंग्वेज में उसको। तो नेफ्थीन बार के बारे में कुछ पूछा जा रहा था, क्या सर? हाँ नेफ्थीन बार के बारे में कुछ पूछा गया था क्या? सर, बैग बैग वाले को, मतलब बैग मतलब पिछले जो बेस था ना हाँ उसमें पूछा था सर, तो वही उन लोग ना अगर अपने अलग लैंग्वेज में बोलते ना सर उनका हो जाता है सर, वही वही एक के क्या बोलते हैं उसको, कपूर कपूर बोल रहे, कपूर बोलते हैं ऐसे करके। जी तो उन्होंने क्या मतलब क्या कौन सी लैंग्वेज में बोला जिस कारण से उनकी समझ नहीं आया? हाँ सर, वही कपूर बोल लिया सर। तो क्या बोलना चाहिए था उसको? सर उसको अपने मतलब हट के उन अलग लैंग्वेज में बोलते ना सर जी, उसको नेपथिन बार बोलते हैं सर उसको। नेफ्थिन वार। जी अब ये सब चीजें क्या है, बच्चों को पता तो होना हाँ चाहिए। सर, अगर हट के बोलते हैं ना, हालांकि वही है सर, पर उन लोग ना बच्चे कुछ पता है कि नहीं इसके बारे में, ये जानना चाहते हैं सर। ये भी एक तरीके से आपका कहना सही है, हाँ लेकिन फिर भी बच्चों की यदि जानकारी नहीं होगी तो कैसे हाँ करेंगे? हाँ सर, वही है। बच्चों को यदि आप लोगों की कोई हेल्प ना मिले कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपने जो है एक्सपीरियंस शेयर किया है, हमारे बहुत से बंदे हैं जो एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते, आपने कम से कम बताया तो, हाँ सर, इसीलिए आपका शुभ नाम क्या है सर? धनेश कुमार जी की सर। दिनेश कुमार जी, जो है आप अपना एक फ़ोटो भेजिएगा, जस्ट जी अभी मैं सर सर, इसको अपलोड करने वाला हूँ। और जी कुछ आप सर, अपने भाइयों से बोलना चाहते हो तो बोलिएगा। हाँ सॉरी सर, मैं तो व्हाट्सएप पे कुछ नहीं चलाता सर, पर व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलाता है, क्या व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलाता सर मैं। कोई बात नहीं सर, आपका जो है अभी नहीं हुआ तो आगे कुछ ना कुछ तो होगा ही सर, यदि जी आप इस सर, प्रकार आपके से। वीडियो से बहुत हेल्प मिला था सर, बहुत अच्छे तैयारी करके गए थे हमको, इसको क्या होता है जो वो पहले ना देखे ना थे सर, वो क्या बोलते थे, बाटल में रखे थे पानी टाइप से दिखते ऐसे करके, तो मैं सर्च मार रहा हूँ कि सर उसे ना हार्पिक के साथ ना सर वो HCl होता है सर, क्या होता है? HCl रहता है सर वो, हाइड्रोक्लोरिराइड ऐसे कुछ है, क्लोरीन। क्लोरीन? समझ नहीं आया सर, एक बार बताइए मतलब HCl सर, HCl, HCl। जी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जी, तो हाँ सर, वो मतलब कैसे आता है? मैं मतलब मैंने सर्च मारा ना तो सर वो भी वाइटी मतलब पानी की जैसे रहता है सर वो HCl। हाँ पानी के जैसा ही रहता है। हाँ जी सर, तो उसको ना एक बॉटल में भी रखा है, तो मेरे को डाउट गया कि वो, हालांकि पूछा नहीं तो वही होगा ऐसे करके। पिछले कुछ बंदे थे 2-4 दिन पहले, तो नहीं बता रहे थे सर कि वो पानी में एक बॉटल में पानी रखा है ऐसे करके, तो सभी ने ढक्कन भी नहीं खोला और बता दिए कि ये पानी है पानी करके। हाँ, हाँ, मैं तो समझ मेरे को गया ये कंफर्म हुआ कि ये पानी नहीं है, HCl है ऐसे करके। हाँ ऐसा। जी सर, क्योंकि यही उसे सब चीजें तो बंदों को अपडेट हार्पिक में होने के लिए उसे, हाँ आवश्यक है। जी सर, हार्पिक में ना उसे मिलाकर यूज किया जाता है सर टॉयलेट में। जिससे क्या होता है, कुछ होता है हाँ सर, बहुत अच्छे 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 मतलब अच्छे ढंग से क्लीन हो जाता है सर। ऐसा? जी सर, जी सर, और उसे जो हार्पिक भी बनाते हैं ना सर, उसमें HCl का यूज करते हैं सर, 10% रहता है उसका HCl का। HCl का 10% रहता है, कंफर्म? जी सर, कंफर्म है सर। ओके थैंक यू, यही तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बच्चों को जो है हाँ, सिलेक्शन और मेरे दिलवाएगी। ख्याल से ना सर, जो पानी का बॉटल बता रहे ना सब बच्चे लोग, तो सर वो पानी का बॉटल नहीं होगा सर, वो HCl ही होगा, वो हाँ ये भी हो जो पानी सकता, टाइप से ही दिखता है वो। हाँ पानी टाइप से ही दिखता है, ये आपने हाँ बिल्कुल जी ठीक सर, सुना। अगर उसे ना सूंघ कर अगर खोल के वो करते ना, तो बच्चे लोग जानते ये HCl ऐसे करके। हाँ ये भी बिल्कुल कंफर्म है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दे रहे हो सर। जी जी सर।
और सर आप बिल्कुल निराश ना हो, आगे से जो है आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा मोड़ आएगा जो आपको जी सर जी, पर परेशान किस नहीं बेस से होना। वो सिलेक्शन ले रहा है पता नहीं सर, मैं तो फुल डाउट गया कि ये पूरा धांधली कर रहा है ऐसा करके। जी बस यही है कि मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन अपन क्या है कि जब तक कुछ भी नहीं बोल सकते ना, जब तक कोई सर स्पेशल वो नहीं हो। हाँ, अगर 60 बच्चे में चलो 15-20 ये ले लेते ना सर, हाँ हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमको कोई वो नहीं होता सर, है नहीं है, 60 बच्चे में तीन तीन ले रहे तो आप क्या समझेंगे सर इसको। हाँ, ये भी आपका कहना उचित है सर। हाँ सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय दिया।